हाय फ्रेंड्स, आज है शुक्रवार और अभी मेरा दाल चावल हो गया है तो मैं भी भाजी बना रही हूँ। बस सिंपल सी भाजी बनाऊंगी, सिर्फ आलू का भाजी बनाऊंगी, बॉयल्ड आलू का। तो आलू भी मैंने उबाल लिया है और प्याज भी मैं उसमें भून रही हूँ और यहाँ पे मैंने टमाटर भी काट दिए हैं। तो अभी मेरी सास प्रियल को लेके बाहर है, उसे खिला रही है, ऐसी थोड़ा घुमा रही है। तो आज टीवी पे आ रहा है कुदरत मूवी, महा मूवी चैनल में कुदरत मूवी आ रहा है। तो मुझे मूवी बहुत पहले से मुझे देखना था लेकिन कभी से ध्यान नहीं आता था। तो आज मैंने टीवी चालू किया और मूवी का चैनल लगाया तो कुदरत मूवी आ रही है। मैं थोड़ी देर के बाद इस मूवी के बारे में बात करती हूँ, मेरी सासू माँ को कुछ काम है। और यहाँ पे मूवी चालू है कुदरत, जहाँ विनोद खन्ना हेमा मालिनी को हिप्नोटाइज करके उससे उनकी बीती हुई जिंदगी के बारे में पूछ रहे हैं। आज जीरा ख़त्म हो गया तो मैं जीरा भून रही हूँ। तो हम लोग घर पे जीरा भून के उसे पीस के रख लेते हैं, और क्योंकि जो दुकान का जीरा रहता है वो भुना हुआ नहीं रहता, ऐसे कच्चा पिसा हुआ रहता है। तो मेरी मदर इन लोगों को पसंद नहीं है, तो हम लोग घर पे ही इसे भून के पीस लेते हैं, धनिया और जीरा दोनों। तो ये हो गया मेरा भून के। हाय फ्रेंड्स, सॉरी कल मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो मैं आज कर रही हूँ ब्लॉग कंटिन्यू। तो मैं अपने कमरे में हूँ और प्रियल भी मेरे साथ है, और प्रियल को नींद नहीं आ रही है और प्रियल भी मुझे सोने नहीं दे रही है। तो आज प्रियल के साथ मैं बात करती हूँ, आप लोग के साथ बोल दो हाय सबको। हाय। और मम्मी को आप क्या बोलती हो रात को? लव यू बोलती हूँ। लव यू, थैंक यू, लव यू, गुड नाइट। तो प्रियल अभी हम लोग को रात के समय अपने भाई लोग को, मुझे, पापा को, मम्मी को, सबको बोलती है रात के समय गुड नाइट, लव यू करके, है ना बाबू? हाँ। तो 21 जून को था वर्ल्ड योगा डे। तो जो पहला योगा डे, जो वर्ल्ड योगा डे था 21 जून का, तो मेरा सेकेंड ईयर था शादी का। तो जब अनाउंस हुआ था कि 21 जून को वर्ल्ड योगा डे मनाया जाएगा, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। और हम लोग क्या गोरेगांव में ही ऐसे कैंप लगने वाला था योगा का, तो मुझे ऐसे मैं अपने घर पे बोली थी कि मुझे जाना ही करके, मैं ससुराल में ही थी। तो फिर ऐसा मतलब मेरी भतीजी थी, बोली ठीक है चाची चलो हम लोग जाएंगे, फिर मेन टाइम पे उसने मना कर दिया था, तो फिर मैं जा नहीं पाई थी। तो फिर तब से मुझे एकदम मतलब जो एकदम याद है कि हाँ 21 जून को योगा डे रहता है, और मेरे इस मतलब फर्स्ट योगा डे के पीछे मेरा जो स्टोरी है मुझे याद आ जाता है कि मैं बहुत ऐसे सैड हो गई थी, फिर रोने लगी थी। लेकिन अभी मुझे बहुत हंसी आती है कि मैं उतनी छोटी सी बात पर रोने लगी थी। एक्चुअली उसने मना क्यों किया था, वो एक कितनी एज की थी, 17 एज की थी, और उसने मतलब मेरा सोच के उसने हाँ तो बोल दिया था कि हाँ चाची मैं चलूँगी आपके साथ योगा डे में, लेकिन एक्चुअली उसे ये सब पसंद नहीं था। तो थोड़ी देर के बाद बोलती चाची मैं बहुत बोर हो जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी प्लीज़ मुझे बहुत बोर लगता है ऐसे वैसे करके। तो फिर तो एक्चुअली उसकी भी गलती नहीं थी, उसको इंटरेस्ट नहीं था ये सब चीज़ में। तो मेरी फैमिली वाली मतलब अभी भी मुझ पर हंसते हैं कि क्या तुझे इतना इंटरेस्ट है ये सब में, योगा में ऐसा। मतलब मैं योगा करती नहीं हूँ, लेकिन उस समय बहुत ही मुझे क्रेज़ था, पता नहीं क्यों। तो मैं ऐसे कभी कभी सुबह उठ के मैं योगा करती थी, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, लेकिन मैं अभी नहीं करती हूँ, बिल्कुल नहीं करती हूँ 4 साल से। और प्रियल को उसकी दादी के पास जाना है, लेकिन उसकी दादी सो रही है तो इसलिए मैं उसे जाने नहीं दे रही हूँ। लेकिन वो बीच बीच में मुझे बोल रही है कि दादी के पास जाना है, पर अभी दादी उसकी सो रही है, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, आधे घंटे पहले ही उन्होंने लेटी थी। तो अभी शाम को ही मैं उसे भेजूंगी, क्योंकि उनकी भी नींद ख़राब हो जाएगी। एक्चुअली मतलब नई थी मैं, तो मुझे कौन से भी थोड़ी सी बात पे मुझे बुरा लग जाता था। तो फिर अभी मैं सोचती हूँ तो मुझे हंसी आती है। तो फिर यही मेरा एक मतलब 21 जून के पीछे मेरा एक स्टोरी था कि
मैंने डिसाइड किया था कि हाँ मैं जाऊँगी, फिर मैंने ऐसी तैयारी कर ली थी जाने की, फिर मेन टाइम पे ना हो गया था। तो फिर यही छोटी सी स्टोरी थी मेरी। प्रियल उस गेट से बाहर चली गई, सॉरी दरवाजे से बाहर चली गई, वहाँ पे वो खड़े रही। और जो कुदरत मूवी थी अच्छी मूवी थी, मैंने पूरी देखी। तो उसमें पिछले जन्म के बारे में बताया गया था और स्टोरी था उसके पीछे। तो मुझे जो ऐसी मूवी रहती है ना जो पिछले जन्म के बारे में रहती है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम एक्साइटेड होता है देखने के लिए। और आप लोगों को पता भी होगा कि चैनल था इमेजिन करके, उसके ऊपर माँ राज पिछले जन्म का एक प्रोग्राम भी आता था। तो जब वो प्रोग्राम आता था तो हम लोग बहुत देखते थे, मेरे घर वाले आजू बाजू वाले, उस समय बहुत क्रेज़ था इस प्रोग्राम का, तो हम लोग देखा करते थे। तो मूवी देख के मुझे वो प्रोग्राम की भी याद आ गई। तो मूवी अच्छी थी। और अगर ना आप यूट्यूब पे फाइंड करोगे ना तो बहुत सारे ऐसे पिछले जन्म का रियल स्टोरी आता है। तो मैं कभी अगर कभी मैं फ्री रहती तो मैं ये सब स्टोरी सर्च करती रहती हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट होता है, पता नहीं क्यों ऐसे बहुत मुझे अच्छा लगता है सब स्टोरी, हिस्टोरिकल स्टोरी सुनना। पहले मैं क्या करती थी कि मैं ना ऐसे जो मेरी बहन थी, छोटी बहन या चाची लड़की थी, तो उसकी मैं बुक लेके हिस्ट्री की, तो मैं उसमें ना स्टोरी पढ़ती थी। जब हम लोग जब तो हिस्ट्री की बुक लेके मैं पहले की स्टोरी पढ़ती थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। ऐसे राजा महाराजा के बारे में बताते थे। तो जब से मोबाइल आ गया तो ये सब बहुत कम हो गया, नहीं तो मैं पहले बहुत ही एकदम मुझे बहुत ही हैबिट थी बुक रीडिंग करने के लिए। अभी तो बहुत कम हो गया जब से हम लोग ज़्यादा मोबाइल देखने लगे हैं, नहीं तो पहले मेरे पास तो बहुत सारी बुक है स्टोरी की। तो 21 जून को वर्ल्ड योगा डे था, तो एक मैंने योगा, मुझे वैसे तो मुझे ज़्यादा योगा नहीं आता, सिर्फ एक अनुलोम विलोम और एक कपाल भाती, ये दो योगा मुझे अच्छी तरह से आता है। और प्रियल को मैंने एक ऐसे ही नॉर्मली ऐसे सिंपल सा योगा सिखाया है, ऐसे ही। तो मैं उसे बोलती हूँ करने के लिए, शायद वो कर दे कैमरे के सामने, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और मेरे पास जो बहुत सारी बुक थी जो मैं रीड करती थी, मैगजीन और हिंदी की बुक, जो आपने सुना रहेगा प्रेमचंद्र जी का नाम, बहुत ही फेमस राइटर है, हिंदी के नंबर वन राइटर थे। तो उनकी भी बहुत सारी मैं उपन्यास ला के पढ़ती थी, तो मेरे पास अभी भी रहेंगे थोड़े उनके, तो कभी आपके साथ शेयर करूँगी मैं। और अभी मैं प्रियल को बोलती हूँ योगा करने के लिए, देखिए वो करती है कि नहीं। प्रियल प्रियल योगा करके दिखाओगी सभी को? और प्रियल का बर्थडे आने वाला है 25 जून को, मंडे को, है ना बाबू? और हम लोग जब उससे पूछते ना कि तुम्हें बर्थडे में क्या चाहिए, तो बोलती है फ्रूटी, ऑमलेट, चॉकलेट, ये सब मांगती। प्रियल आ जाओ, प्रियल अभी आपको सबको योगा दिखा रहे हैं। ओके ओके, प्रियल योगा दिखा दूं एक बार और ना? हो गया।